रायपुर के धरसीवा से भाजपा प्रत्याशी पद्मश्री अनुज शर्मा ने विधानसभा क्षेत्र में सघन जनसंपर्क किया। उन्होंने घर घर पहुंचकर लोगों से मुलाकात और बातचीत की। इस दौरान अनुज शर्मा का लोगों ने जगह जगह स्वागत किया, उन्हें फूलों की माला पहनाकर और आरती उतारकर जीत की शुभकामनाएं दी। INS न्यूज से बातचीत के दौरान अनुज शर्मा ने कहा कि बस्तर और दुर्ग संभाग में पहले चरण के मतदान में लोगों ने भाजपा को समर्थन दिया है। आम जन ने जता दिया है कि ये बदलाव का वक्त है, ये बीजेपी का वक्त है। बीस विधानसभा चुनाव में आज मतदान है और बस्तर क्षेत्र को परिवर्तन की धुरंधर क्षेत्र माने गए हैं, क्या कहेंगे आप? बस्तर में परिवर्तन की बयार बह रही है और आप देखिए कांग्रेसियों के चेहरे पे जो मायूसी जो निराशा है वो आपको देखने को मिलेगा और वहां से यह संदेश बिल्कुल आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग मतदान कर रहे हैं और बड़ी संख्या में कर रहे हैं। मतदान का परसेंटेज ऊपर की ओर जा रहा है और ये मान के चलिए कि परिवर्तन की लहर शुरू हो चुकी है, अभी ये आंधी और बड़ा रूप लेने वाली है। आंधी का जो बड़ा रूप है उस किस नजर से देखेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी, मैं पहले से कहता आ रहा हूं, लोगों के अंदर ये भरोसा ये विश्वास है, हमारे घोषणा पत्र में लोगों को भरोसा है विश्वास है और उन लोगों को जो मोदी की गारंटी है कि मोदी जी ने इस बात की गारंटी ली है कि महिलाओं को 1,000 रुपया हर महीना मिलेगा, धान की बहुत अच्छी कीमत मिलेगी, 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा, इन सारी योजनाओं से युवाओं को 1,00,000 नौकरी 2 साल के अंदर दी जाएगी, ये सारी योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी लेकर आने वाली है अपने घोषणा पत्र में जो लेकर आई है उस पर लोगों का भरोसा दिख रहा है और लोग त्रस्त हो गए थे इस सरकार से, घोटालेबाज सरकार से। जो देखिए महादेव सट्टा ऐप का घोटाला, शराब का घोटाला, कोयले का घोटाला, इनके बड़े बड़े अधिकारी जेल में हैं, जनता त्रस्त थी, वो तो ताक में बैठी थी हमको कब इनसे छुटकारा मिले और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और सुशासन आए।